आईपीएल 2024 के ऑक्शन में ज्यादा दिनों का समय बचा हुआ है नहीं, मुश्किल से 8 दिन का समय बचा हुआ है और गाइस उसके बाद यहाँ पे ऑक्शन 2024 का यहाँ पे पूरा महफिल चलता हुआ नजर आने वाला है। और गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि आखिर चेन्नई सुपर किंग्स इस बार के ऑक्शन में वो कौन कौन से इनके एक्सपेक्टेड खिलाड़ी हैं जिनके पीछे ये बोली लगाते हुए नजर आने वाले हैं। हाँ गाइस एक्सपेक्टेड खिलाड़ियों के बारे में बात होगी जिनके पीछे ये बोली लगाएंगे। टॉप 5 एक्सपेक्टेड खिलाड़ी की बात करूंगा जिनके पीछे चेन्नई यहाँ पे हैमर उठाने ही वाली है और इन शॉर्ट इनमें से 2 या 3 खिलाड़ियों को ही अपने टीम में शामिल करते हुए इजिली तरीके से नजर आने वाले। तो गाइस आपको करना है वीडियो का अभी लेकर पूरा इंटरेस्ट देखना है और जो लोग भी चैनल पे नए हैं अभी तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से नीचे देख लीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन नहीं दबा होगा तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम लोग वही बात करने वाले हैं टॉप 5 एक्सपेक्टेड चेन्नई सुपर किंग्स शुड टारगेट फॉर आईपीएल 2024। सबसे पहले खिलाड़ी के बारे में जिसके पीछे चेन्नई जाते हुए नजर आने वाले इनका नाम है डैरिल मिचेल। हाँ गाइस डैरिल मिचेल की अगर हम लोग बात कर लिया जाए तो मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि डैरिल मिचेल के पीछे चेन्नई जाते हुए नजर जाने वाली है। क्यों जाने वाली है? क्योंकि यहाँ पे इनको चाहिए अम्बती रायडू के प्लेस में एक अच्छा सिक्योर खिलाड़ी जिसके पास वो अच्छा खासा एक्सपीरियंस और सेम ये सब चीजें यहाँ पे डैरिल मिचेल के पास उपलब्ध है। साथ में आपको 1 से 2 से मैक्सिमम 3 ओवर तक आपको बॉलिंग भी दे सकते हैं, फील्डिंग भी इनके लाजवाब है। यानी ओवर एंड ऑल अगर बात करें तो इनका फॉर्म सब चीज ओवर एंड ऑल अगर बात करें तो पूरी तरीके से बेटर है और चेन्नई की टीम जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर्स रहते हैं उनके पीछे ज्यादा जाना प्रीफर करती है। तो ऐसे में अगर हम लोग बात कर लिया जाए तो डैरिल मिचेल के पीछे चेन्नई 100% कन्फर्म है कि टारगेट करने वाली है और ये इनके एक्सपेक्टर की लिस्ट में यहाँ पे शामिल होते हुए नजर आने वाले हैं। तो गाइस फाइनल में बात करने वाले हैं दूसरे खिलाड़ी के बारे में, तो ये है मिचेल स्टार्क। अब मिचेल स्टार्क के पीछे चेन्नई जाने वाले, चेन्नई ही नहीं काफी ज्यादा फ्रेंचाइजीज भी इनके पीछे जाने की कोशिश करने वाले हैं। लेकिन अगर बात कर ले तो चेन्नई इन्हें कैसे ले सकती है, तो चेन्नई के पास जो इस टाइम पे पर्स है वो लगभग यहाँ पे 33 करोड़ है। यानी कि इन्हें प्लेयर्स तो कम चाहिए और 1 से 2 मैक्सिमम 3 क्वालिटी वाले खिलाड़ी चाहिए। यानी कि चेन्नई अगर जिस खिलाड़ी के पीछे चाहेगी इस बार के ऑक्शन में उन्हें जाके आखिर के एंड में अपने टीम में शामिल कर लेगी। और मिचेल स्टार्क का अब आईपीएल में खेलना ना खेलना वो तो उनके ऊपर है, लेकिन यहाँ पे चेन्नई अगर जानती है कि अगर मिचेल स्टार्क के पीछे जाती है तो मैक्सिमम 1 साल तो ये जो सीजन रहने वाला है यहाँ पे तो स्टार खेलने वाले हैं, तो यहाँ पे 1 सीजन के लिए स्टार के पीछे इन्वेस्टमेंट करके चेन्नई अपनी जो बॉलिंग लाइनअप है जो कि एक तरीके से वीक यहाँ पे दिख रही है, अगर बात करें तो एक एक्सपीरियंस और विदेशी खिलाड़ी जो कि पेस गन वाला जो खिलाड़ी है वो चेन्नई के पास फिलहाल मौजूद नहीं है और ऐसे में मिचेल स्टार्क के पीछे चेन्नई जा सकती है। और अगर बात करें तो ये इनके टीम में शामिल रहते हैं काफी बेटर बात है। तो यहाँ पे बात करें तो दूसरे खिलाड़ी वो मिचेल स्टार्क ही रहने वाले हैं जिनके पीछे चेन्नई जाके टारगेट करके इन्हें एज अ एक्स फैक्टर खिलाड़ी अपने टीम में शामिल कर सकती है। तो गाइस पहली बात करने वाले हैं तीसरे खिलाड़ी के बारे में, तो गाइस ये है रचिन रविंद्र। अब रचिन रविंद्र की अगर हम लोग बात करें तो इनके पीछे काफी सारी टीमें जाने वाली हैं, चेन्नई भी हो सकता है जाने की कोशिश कर सकती है। क्यों कोशिश कर सकती है? क्योंकि चेन्नई को एक यहाँ पे स्पिन बैट्समैन की जरूरत रहने वाली है और रचिन रविंद्र आपके टॉप ऑर्डर भी बैटिंग कर सकते हैं, काफी खूंखार बैटिंग कर सकते हैं। तो अगर बात करें ऐसे में अगर चेन्नई रचिन रविंद्र के पीछे इन्वेस्टमेंट करती है तो सच में ये काफी बेटर चीज हो जाएगी, क्योंकि रचिन रविंद्र वन ऑफ द बेस्ट खिलाड़ी है इस टाइम पे, ऑलराउंडर में काफी अच्छे चल रहे हैं। वही बात है, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, चेन्नई को पसंद होते हैं न्यूजीलैंड के खिलाड़ी जो कि इनके पीछे जाए, इनको टारगेट करें, इनको अपने टीम में लेने की कोशिश करें। और चेन्नई की टीम में आने के बाद न्यूजीलैंड के खिलाड़ी काफी हद तक काफी बेटर परफॉर्मेंस भी करते हैं। तो ऐसे में बात करें रचिन रविंद्र भी इनके टॉप ऑफ द हेड और बात करें तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड खिलाड़ी के रूप में जरूर से यहाँ पे इनके दिमाग में चल रहा होगा कि कैसे ना कैसे करके इन्हें अपने टीम में लेने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो अगले खिलाड़ी का नाम आता है वो यहाँ पे रचिन रविंद्र का नाम सामने निकल के आता है। तो गाइस फाइनली बात करने वाले चौथे एक्सपेक्टेड खिलाड़ी के बारे में, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे टेलीग्राम के बारे में। क्यों बात करेंगे? क्योंकि वहां पे भर के न्यूज आ रही है, अब तो ऑक्शन में भी कम दिनों का समय बचा हुआ है तो न्यूज का वहां पे अंबार पड़ा है, कौन से खिलाड़ी को टारगेट करेंगे, कौन से मिनट पे टारगेट करेंगे ये भी हम बताते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद बात करने वाले हैं तो यहाँ पे मॉक ऑक्शन का फेज 6 स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे आप लोग भी पूरे आईपीएल का माहौल का मजा ले सकते हैं जो कि हम यहाँ पे टेलीग्राम पे करवाते हैं। ये एक बेहतरीन एक्टिविटी है जहाँ पे आप अपने फेवरेट खिलाड़ी के पीछे खुद बिडिंग कर सकते हैं, खुद उन्हें ले सकते हैं। तो गाइस सब चीजें वहां पे हो रही है, तो गाइस आपको जाना कहाँ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में पड़ा है, फटाफट टेलीग्राम पे जाना है, वहां पे जाके फॉलो करना है उसे और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जो कि इस टाइम पे आईपीएल का माहौल चल रहा है पूरा मजा लूटते हुए नजर आइए। तो गाइस फाइनली बात करने वाले अगले खिलाड़ी के बारे में, तो गाइस इनका नाम है ट्रेविस हेड। अब ट्रेविस हेड की बात करें तो इनके पीछे तो बात करें तो चेन्नई जाती हुई नजर आने वाली है, क्योंकि एज अ बैकअप ओपनर भी इनको टीम में शामिल एक खिलाड़ी चाहिए, क्योंकि इनके पास बैकअप ओपनर कोई है नहीं, तो ऐसे में बैकअप ओपनर के रूप में ट्रेविस हेड चाहिए। उसके साथ बात करें तो यहाँ पे एक अटैकिंग बल्लेबाज भी है जो कि पावर प्लेयर्स का काफी बेहतरीन यहाँ पे फायदा उठा सकते हैं, और एक बार अगर ट्रेविस हेड किसी मैच में टिक गए
तो अकेले दम पे ये बंदा बात करें तो मैच विनर भी साबित हो सकता है। तो ऐसे में बात कर लें तो ये चौथे इनके एक्सपेक्टर खिलाड़ी है जिनके पीछे चेन्नई जाती हुई नजर आने वाली है। पांचवें और अंतिम खिलाड़ी की बात करें जो कि एक्सपेक्टर के लिस्ट में इनका रहने वाला है, ये है ग्रेट कॉट्जी। ग्रेट कॉट्जी की बात करें तो यहाँ पे चेन्नई के सीईओ ने साफ साफ कह दिया कि हम तो कॉट्जी के पीछे जाएंगे, पूरी भर के पैसे लगाएंगे, अब देखना होगा जो रोकना है चाहे वो रोक ले। तो यहाँ पे बात करें तो ये इनके प्रीमियम हॉट पिक्स रहने वाले हैं, एक्स फैक्टर खिलाड़ी रहने वाले हैं जिनके पीछे ये टारगेट करते हुए नजर आने वाले हैं। और अगर ग्रेट कॉट्जी को अगर चेन्नई अपनी टीम में शामिल कर लेती है तो सच मुझे इनकी टीम काफी ज्यादा ताकतवर, काफी ज्यादा बेस्ट, काफी ज्यादा खूंखार होती हुई नजर आ सकती है। तो गाइस वैसे में अगर हम लोग बात करें तो ये इनके पांचवे और अंतिम खिलाड़ी रहने वाले हैं जिनके पीछे चेन्नई टारगेट और अपनी टीम में लेने की कोशिश करने वाली है। तो गाइस ये थे वो पांच खिलाड़ी जो कि टॉप एक्सपेक्टेड खिलाड़ी जिनके पीछे लेने की कोशिश कर सकती है। तो गाइस फाइनली आप बताएगा इन पांच में से कौन कौन सा खिलाड़ी टीम में शामिल होता हुआ नजर आ सकता है। आपकी अपनी जो राय कमेंट करिए, टेलीग्राम पे चैनल सब्सक्राइब करिए। फिलहाल के वीडियो एंड करते हैं।